क्या कोई अपनी ही गाड़ी में आराम नहीं कर सकता क्या? अच्छी चला लेती हूँ, गुड। और ये गियर लीवर है, इसे हमेशा क्लच दबाकर ही चेंज किया जाता है, समझ ले? हो हाँ, था कोई खड़ूस जासूस जिसने मुझे अच्छी ड्राइविंग सिखाई थी। हद है यार, मतलब वैसे भी हर चीज के लिए तुम मुझे सुनाती रहती हो, लेकिन कुछ अगर अच्छा किया है उसके लिए कभी कुछ नहीं बोलोगी, कभी तारीफ नहीं करोगी। अरे कुछ नहीं तो अपने गुरु का मान रख लो, बुराई करने में कोई चांस नहीं छोड़ती हो तुम तो मुझे उन चीजों के लिए भी सुना देती हो जो मैंने कभी की भी नहीं होती। मेरे को मालूम था ना उसे कुछ होने वाला नहीं, तो मैं क्या गया वो चवन की जो बाइक है, तो मैं खुद गया उसके पास और मैं उसको बोल दिया कि वो जो विनू है ना, वो विनू तेरा और चवन का बेटा है। सॉरी सॉरी नहीं, थोड़ी तारीफ कर दो बस। अभी के लिए नहीं बोल रही, वो मैंने सोचा था कि ऐसा मुझे लगा कि तुमने ही पत्र लेखा को सच बताया कि विनू हमारा बेटा है। मुझे बाद में पता चला कि जगताप ने उसे बताया। क्या जगताप ने? पर क्यों? उसे लगा कि ऐसा करके वो मेरी मदद कर रहे हैं। बाकी को ये बताकर कि विनू हमारा बेटा है, इसमें कैसी मदद? इनफैक्ट बाकी को बताकर उसने बात और बिगाड़ दी है। अब जो हो गया सो हो गया, उस बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता। ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। संभाल के पुलिस स्टेशन जाना, संभाल के ड्राइव करना और वहां पहुंचते ही मैसेज कर देना। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, जैसे बोलते नहीं तो मैं रखती नहीं। सावंत, कमिश्नर सर के साथ मीटिंग कितने बजे? उन्हें आने में एक घंटा जाएगा सर। और तेरी इन्वेस्टिगेशन लास्ट स्टेज पे सर, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग केस बना के कोर्ट में ले जाएंगे सर कि बस पूछिए मत। वो दे लगता है नया फैशन है। और वो विटनेस, वो जो हॉस्टाइल हो, वो सर सावंत क्या मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तू हंस रहा है? सॉरी सर, इफ यू डोंट माइंड सर। व्हाट? ये भाभी जी का झुमका आपके कॉलर में फंसा हुआ था। मेरी कॉलर में? जब स्टीयरिंग घुमाया होगा तब ये गिरा होगा शायद। सर ये बूंदा लटका के आप घूम रहे थे इसलिए सब हंस रहे थे और उससे भी रहा नहीं गया सर। सब हाँ हंसो, अपने सीनियर पे हंसो, तुम सबके लिए हंसी की बात होगी लेकिन मेरे लिए ये सब खुशी की बात है। खुशी की बात है मतलब सर? नहीं समझेगा यार। नमस्कार साहब।
राय साहब, मैं सुना आप मेरे बारे में बहुत छानबीन कर रहे हैं। अचानक इतना प्यार आ गया कि मुझे यहां बुलवा लिया। इस प्यार की कोई खास वजह? राय साहब, मैं इतना भी खूबसूरत नहीं है कि आपका दिल मेरे पर है। तब क्या करे कामड़े, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं कि तुझे 2400 घंटे अपनी आंखों के सामने रखने का दिल करता है। कल तूने डॉक्टर सही सोशी को मैसेज किया, उनके ऑटो को टक्कर मारी। सर वो क्या है ना कि मेरे को मालूम नहीं था कि वो आपकी एक्स वाइफ यानी पूर्व पत्नी है। और जब वो तेरे घर आई थी और तूने उसके माथे पर राख लगा दी थी, तब भी तुझे नहीं पता था कि वो मेरी एक्स वाइफ है? तभी तो मालूम था मेरे को साहब। फिर राख क्यों लगाई? वो क्या है ना साहब, उसने हरकत ही ऐसी कर दी थी, मेरे को लाफा मारा था उसने। अब इसके बाद तो राख लगाना बनता है ना साहब। काय अरे कामड़े, क्यों करता है ये सब कुछ? भूल जाना सब, ये गलत काम करके क्या मिलेगा तेरे को? एक दिन गोली खाकर मर जाएगा, उससे अच्छा सीधे सीधे जीना अपनी जिंदगी। पढ़ लो। एंटीसिपेटरी बेल है सर, आप मेरे क्लाइंट को ना जेल में डाल सकते हैं और ना इस पे हाथ उठा सकते हैं। ए काले कोट, अतः जास्ती मगज मारी ना है, बिल्कुल चुप। सर आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं बोला ना एकदम चुप। अच्छा है ना, गरम होने दे मामला, जितना गरम होएगा उतना मजा आएगा। होली आने वाली है, रो होली में क्या कहते हैं सब लोग? हाँ, बुरा ना मानो होली है। अब मेरे को जो भी करने का है मैं होली में करेगा, ताकि किसी को बुरा ना लगे।